दोस्तों इस वक्त खड़े हैं दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर, जहां पर आज जमीयत उलमा हिंद की एक संविधान संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं लाखों की तादाद में यहां पर भीड़ एकत्रित है। हजरत मौलाना अरशद मदनी की सदारत में यहां पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, और जिस तरह से यहां पर लोगों का हुजूम है, लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर वो अपने जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर जिस तरह के कानूनों को लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ ये जो लोगों की एक भीड़ है वो एकत्रित हुई है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोग चाहते हैं कि जो वक्फ का पहले से बना हुआ एक कानून है वो उसी तरह से चलता रहे, जिस तरह से अब सरकार उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है या अपने नुमाइंदों को घुसाने का प्रयास कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ये लोग खफा हैं। और उसी के चलते आज यहाँ पर जो जमीयत ने एक दावत इन लोगों को दी थी यहाँ पहुँचने की, उस एक कॉल पर ये लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में पहुँचे हैं। तो चलिए तमाम तस्वीरें हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाए। आप देख रहे थे द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला, धन्यवाद। भाइयों, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, हम सब लोग एहसानमंद हैं। जमीयत उलमा हिंद की कयादत एहसानमंद है, जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम एहसानमंद है। मैं एक दो बातें आपसे अर्ज करूँ, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं तफसील से आपको बताता। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा आसाम के सिलसिले में, जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा की इस बात को याद रखें। 1951 से जंग शुरू हुई, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिंदुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह, फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना सैयद असद मदनी नूरुल्लाह अलैह, उन्होंने 52 में जंग शुरू की थी आसाम की। आसाम के बारे में हम नहीं जानते क्या हालात हैं। आसाम का मसला यह है, इस बात को जहन में रखें कि तकरीबन 45 लाख, कितने 45 लाख मुसलमानों की शहरियत का मसला था। अगर वो हिंदुस्तानी शहरी बनते हैं तो उनका मकान, उनका, उनकी जायदाद, उनकी जितनी बैंक बैलेंस है वो उनका। और अगर खुदा ना खास्ता ये फैसला हो जाता है कि वो हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, इधर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता और उसी लम्हे उनकी हर जायदाद की मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाती, कुछ नहीं बचता, उनको एक वर्क परमिट दिया जाता। कायदे मिल्लत सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद असद मदनी और उनकी क़यादत में जमीयत उलमा आसाम और जमीयत उलमा आसाम के कारकुनान मौलाना अब्दुल रशीद, जमीयत उलमा आसाम के जनरल सेक्रेटरी हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ, जमीयत उलमा आसाम के सदर मौलाना मुश्ताक अनवर और उनके साथियों ने 13 साल, कितनी हेयरिंग हुई, 53 हेयरिंग, कहां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहां वकील सांस लेने का भी पैसा लेता है। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इंदिरा जयसिंह और इस तरह के वकील, 53 हेयरिंग 11 साल, 2012 में शुरू हुआ, लड़ते 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 दिसंबर 2023 में आखिरी हेयरिंग हुई। हजरत सदर मोहतरम ने दोनों हाथ खोल दिए, उनके साथियों ने दोनों हाथ खोल दिए। इसका डर नहीं हुआ कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के मुकाबले पर आए। अल्लाह का एहसान है, उसका करम है, शुक्र है। आपने सुना 2 हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कानून की पासदारी की, कानून की हिफाजत की। आज हमारा इजलास आईन हिंद कन्वेंशन है, हिंदुस्तान के दस्तूर।
दस्तूर, हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान के आईन की हिफाजत करते हुए फैसला आपके हक में दिया। नतीजा क्या हुआ? 45 लाख आदमियों की जिंदगी बच गई। आप सोचिए, एक लम्हे के लिए एक आदमी के दिल से अगर दुआ निकलेगी तो आपके लिए अल्लाह कितनी आसानियां पैदा करेगा। करता एक वक्फ की जमीन है जो किसी मुसलमान ने वक्फ की है मस्जिद के लिए, या वक्फ की है मदरसे के लिए, या वक्फ की है कब्रिस्तान के लिए, या वक्फ की है गरीबों और बेवाओं की मदद के लिए। बताओ ये वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों का सरमाया है कि नहीं है? हम इसमें किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों का सरमाया है, इसकी देखरेख भी मुसलमान ही करेगा और इससे फायदा भी मुसलमान ही उठाएगा। हाँ, अगर कहीं किसी वक्फ प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कोई उसका मिसयूज कर रहा है, कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो मुल्क में कानून बना हुआ है, आप मुजरिम को पकड़ के सजा दीजिए। लेकिन उसका मिसयूज होना, उसके मिसयूज को बहाना बनाकर कानून को बदल देना और उसमें गैरों को दाखिल कर देना, याद रखो ये जो वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल आया है, इससे वक्फ बोर्ड के मिसयूज को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी बर्बादी के मौके और बढ़ते चले जाएंगे। इसको हम किसी तौर पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जान साहेब को भेजा यहां, मैं इसे भी बहुत बेहतरीन नजर से देखता हूं। मैं समझता हूं कि मुसलमानों के जज्बात उधर से लेकर इधर तक, ये जब ने गफीर अपने दिल की आवाज गोया के दिल को निकाल कर दिखला रहा है, तर्जुमानी ये जाकर के करेंगे। इसलिए कि जब तक हमारा मानना ये है कि अगर कोई आग लगती है मुसलमानों के जज्बात पर, अगर वह तर्मीनी बिल पर आग लगती है, तो जो बैसाखी जिस पर मुल्क चल रहा है उसकी जिम्मेदारी इतनी ही उस पर भी पड़ेगी जितनी जिम्मेदारी मरकर में बैठी हुई दावत पर पड़ेगी। मैं इनकी तशरीफ भावनी में शुक्रिया अदा करता हूं और मैं समझता हूं के मुसलमान के ये जज्बात वहां तक पहुंचेंगे और जमीयत उलमा ने ये वहां की जमीयत के जिम्मेदार बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि हम इस महीने के आखिर में या दिसंबर के शुरू में, कहता ही हूं यकूब दिसंबर या 15 दिसंबर को हम वहां भी जमीयत उलमा की तरफ से कल्पा में जो चंद्रा बाबू नायडू का वतन है, हम वहां इंशाअल्लाह 5 लाख मुसलमानों को जमा करेंगे और अपने दिल के एहसास को उनके सामने रखेंगे। हम किस तरह इस मसले के अंदर मुल्क की मौजूदा मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं। खुदा ना खास्ता ये कानून पास हुआ तो वो बैसाखी इनके ऊपर ये बैठकर हुकूमत कर रहे हैं, वो भी उस जिम्मेदारी से नहीं हो सकती। मैं अपने इन जज्बात के साथ नवाब जान साहब का खैर मकदम करता हूं। ये नायडू जी के नायब ही समझिए, उनकी पार्टी के नायब हैं और मौलाना खालिद साहब मुस्लिम मसला बोर्ड के सदर हैं, मौलाना का ताल्लुक भी अजीब रखे, उन तमाम मसाइल से है जो मजहबी मसाइल हैं और मुसलमानों के खिलाफ उठाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद।
ये मुजफ्फरनगर यूपी। और आपने मौन सद मजलिस कॉल पाया तो आप वजह आपके उस सिलसिले में आए जी। हासिल किया